Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, debunking mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है. सतोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है मिथोलॉजी, विच मीन्स नकली, झूठ, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई, उसका विज्ञान. पूरी दुनिया का नैरेटिव आजकल झूठ पे चलता है, और आपको दिख जाएगा कॉलोनियल इतिहास से कितना झूठ बोला गया. वो तो भारतीय इतिहासकार हैं, मैं दुष्टाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो असली वाले हैं. और तुलसीदास जी ने और हमारे साधु संतों ने भारत की इस संस्कृति को बचाकर रखा. इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो परंपराओं में जो हमारे गुरु हैं, संत हैं, उनका आदर करिए. उनके विरुद्ध टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचिए. आपका पर्सनल आप व्यूज रख सकते हैं, आपका मन मुटाव हो सकता है, लेकिन पब्लिकली बिना किसी तथ्य के बोलना बंद करिए, क्योंकि वो सत्य बात नहीं हो सकती है, कुछ आपको पता ना हो. और मुझे बहुत दुख भी होता है जब लोग साधुओं के बारे में बड़ा साधारण तरीके से उन पर व्यंगात्मक बात करते हैं. फिर हम में और मुसलमानों में या क्रिश्चियंस में क्या फर्क रहेंगे? तो आज हमारे पास, यू ऑल नो हिम, यू ऑल लव हिम, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, एंड हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे और इसी विषय को हम लोग आगे लेके जाएंगे साहित्य पे, कि उनका टॉपिक जो है डिस्कशन का, उन्होंने मुझे दिया है धर्म विमुख हिंदी साहित्य क्यों और कैसे. तो शैलेंद्र जी, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, बहुत जबरदस्त टॉपिक है. एंड तो मुझे एक बात बताइए कि क्या धर्म विमुख हिंदू साहित्य भी है? सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। जैसे हमारे देश में आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। हमारे देश में जितने विषय हैं, ये केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं है, चाहे वो इतिहास हो, संस्कृति हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, या यहाँ तक कि विज्ञान के विषय हो, तो सब पर जो है वही जो ईसाइयों ने लिखा, या आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ जो पहले 30 वर्ष में 24 वर्ष तक केवल मुसलमान ही शिक्षा मंत्री बनाए गए, तो इन सब का जो प्रभाव पड़ा है वो हर विषय पर पड़ा। बिल्कुल. और मैं चूंकि हिंदी साहित्य का छात्र रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती रही हैं लगभग 3 दशकों से, लेकिन मैं व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके इस योग्य नहीं था पहले कि मैं आपसे बात करूं या कोई टिप्पणी करूं, इसलिए अब मैंने मानसिक रूप से तैयारी की है। और दूसरा क्या है कि थोड़ा ये ऐसा काम है जो सामान्यतः कोई करता नहीं है, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े स्थापित रचनाकार होते हैं वो भी मठाधीश हो जाते हैं, और लगता है कि उनकी उनके विषय में बात करना या यदि आप कोई आलोचना करें तो ये सहज कार्य नहीं समझा जाता है, तो इसलिए भी बहुत लोग इसमें आते नहीं है। लेकिन मेरी जो अकुलाहट है, व्याकुलता है, अंदर की जो बेचैनी है, तो मैंने सोचा कि इस पर वार्ता की जाए और प्रमाण के साथ वार्ता की जाए। हम श्रोताओं पर बहुत कुछ छोड़ेंगे, और आपसे विशेष अच्छी बात यह है कि जो चूंकि धर्म में आपकी रुचि है, तो जो मैं कहूंगा उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे भी, और उसका जो महत्व है उसको भी समझेंगे कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ, क्योंकि सामान्यतः लोग कुछ चीजें बड़ी सूक्ष्मता से कही जाती हैं, बड़ी सफाई से कही जाती हैं, समझ में नहीं आती लोगों को, लेकिन आप समझेंगे और मैं समझता हूँ कि जो साहित्य के अध्येता हैं वो समझेंगे, उसके छात्र समझेंगे, तो इसलिए ये बहुत ही रोचक विषय मुझे लगा, तो मैं इस पर जो है वार्ता करना चाह रहा हूँ। प्लीज शुरू करिए, प्लीज बताइए. अच्छा, ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, एक मुझे एक चलिए पहले शुरू करिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप शुरू करिए. ठीक है, ठीक है। तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं आदित्य जी 3 बड़े बड़े रचनाकारों को ले रहा हूं आज। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन, और उसके बाद में प्रेमचंद, और उसके बाद में डॉक्टर धर्मवीर भारती। और मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा, सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि ये तीनों रचनाकार
और इनकी रचनाएं सामान्यतः धर्म विमुख थी, और जिनका क्या परिणाम हमारे समाज पे पड़ा होगा, या आज आप किसी भारतवर्ष में सोशल मीडिया के पहले के समय में चले जाइए, तो जिस प्रकार का ज्ञान उनका था, उनकी समझ थी, तो हमें आसानी समझ में आ जाएगा कि उनको पढ़ाया कैसे गया है, उन्होंने कैसी रचनाएं पढ़ी। और यहां पर मैं आरंभ कर रहा हूं हरिवंश राय बच्चन से। हरिवंश राय बच्चन ने गद्य साहित्य में अपने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी है, जिनमें क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर और नीड़ का निर्माण, फिर ये 3 रचनाएं हैं उनकी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने तीनों रचनाएं पढ़ी हैं, लेकिन आज जिस चीज पर मैं वार्ता करने जा रहा हूं वह जो है क्या भूलूं क्या याद करूं पर है। इसमें पृष्ठ संख्या 13 और 14 पर कुछ वाक्य लिखे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, कि शासक के निकट रहने के कारण और निकट रहने के लिए कायस्थों ने अपने को बहुत बदला होगा। ये लिखते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कायस्थ थे, और अपनी आत्मकथा में कायस्थ जाति के विषय में पहले अध्याय में काफी लिखा है। शिक्षा दीक्षा में, रस्म रिवाज में और रहन सहन के तौर तरीकों में, मतलब कायस्थों ने बहुत कुछ बदला होगा शासक के निकट रहने के कारण। मैंने अपने लड़कपन में कई अवसरों पर लोगों को ऐसा कहते सुना था कि कायस्थ आधा मुसलमान होता है, और ये सही बात है, ये हमने भी अपने समाज में सुना है। हिंदुओं में मुसलमान शब्द सर्वविदित ऐतिहासिक कारणों से आदर अथवा प्रशंसा का वाचक नहीं बन सका, ये सच है। ब्राह्मणों ने मुसलमानों को म्लेच्छ कहना शुरू किया था, कायस्थों को शूद्र ही समझते थे, शूद्र को म्लेच्छ के सहयोग से सहयोग करते हुए देखकर उन्होंने उसे अर्ध म्लेच्छ की संज्ञा दी हो तो कुछ अजब नहीं। यह हरिवंश राय बच्चन के वचन हैं, वो कह रहे हैं कि उनको अर्ध म्लेच्छ समझा गया होगा। लेकिन यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि कायस्थों में, भारतवर्ष में जो बड़े बड़े विराट पुरुष हुए हैं, उनमें स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए, और उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कायस्थों ने बहुत झंडे गाड़े हैं, बहुत ही चमत्कारिक सफलता हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि मुसलमानों के राज में कायस्थ जाति शासकों के बड़े निकट रहे, और इसीलिए जो वो लिख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन कि रहन सहन खान पान इन सबों में वो काफी निकट थे, और उनकी नकल भी करते थे, उनको करना भी पड़ा होगा, तो उसका परिणाम हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है। आप देखिए हरिवंश राय बच्चन फिर पृष्ठ 37 पर लिखते हैं कि मेरे परबाबा नायब साहब थे, घर पर ही मौलवी रखकर हमारे बाबा को अरबी फारसी और उर्दू की शिक्षा दी गई थी। ध्यान देने वाली बात है आदित्य जी कि घर में शिक्षा क्या दी जाती है हरिवंश राय बच्चन के बाबा को, अरबी फारसी और उर्दू, न यहां संस्कृत है न यहां हिंदी है। उन दिनों छपी पुस्तकों का अधिक प्रचलन नहीं हुआ था, लोग प्रायः जो पुस्तक पढ़ना चाहते थे उसे दूसरों की हस्तलिखित पुस्तकों से नकल कर लेते। बाबा के हाथ की लिखी हुई कुछ पुस्तकें मेरे लड़कपन तक मेरे घर में सुरक्षित थी, एक प्रति खालिक बारी भी उन्हीं के हाथों की लिखी थी। ये खालिक बारी ऐसी रचना है जिसके विषय में कहा जाता है कि अमीर खुसरो की है, यह द्विभाषी शब्दकोश है और हिंदी फारसी का ज्ञान कराने के लिए इसको लिखा गया। अब आगे देखिए, अगले पृष्ठ पर लिखते हैं कि बाबा के बस्ते की हस्तलिखित पुस्तकों में उर्दू अक्षरों में लिखा रामचरित मानस का सुंदर कांड भी था। अब देखिए आदित्य जी, हरिवंश राय बच्चन के बाबा के पास
रामचरितमानस का सुंदर कांड उर्दू में लिखा था। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि उस परिवार में धार्मिक समझ कैसी होगी। जब आप देवनागरी से परिचित नहीं हैं, आप संस्कृत से परिचित नहीं हैं, तो अपने धर्म ग्रंथों के प्रति आपका कितना लगाव होगा। आगे थोड़ा सा और स्पष्ट भी होता है, किसी से हिंदी से बुलवाकर उन्होंने लिखा होगा, कोई हिंदी बोल रहा होगा और इनके बाबा ने लिखा होगा, अर्थात इनके बाबा हिंदी का एक अक्षर नहीं जानते थे। मुझे लड़कपन में भी इस पर आश्चर्य होता था कि बाबा को रामायण ही पढ़ना था तो उन्होंने नागरी की 12 खड़ी क्यों न सीख ली थी। अब यहां ध्यातव्य है आदित्य जी, दो बातें। पहली बात तो जब मैंने कही कि उनको हिंदी अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था, देवनागरी लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, दूसरा यह कि हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि क्या लिख रहे हैं कि बाबा को रामायण ही पढ़ना था। पहले क्या चर्चा हो रही है, रामचरितमानस की, उसका एक अध्याय सुंदरकांड की, और ये चले आए रामायण पर। अब रामायण और रामचरितमानस में दोनों के अलग अलग लेखक हैं, दो अलग अलग पुस्तकें हैं, आप कैसे रामायण और रामचरितमानस को एक बना देंगे। और यह त्रुटि हरिवंश राय बच्चन की इस पुस्तक में एक दो बार और आती है। इससे भी कई बार आपको यह समझ में आएगा कि कितने कहिए कि कितनी लापरवाही से आपने कोई बात कह दी अपनी धार्मिक पुस्तक के बारे में। खैर, मेरे ननिहाल में तो मेरे नाना का एक पूरा रामचरितमानस था जो उर्दू अक्षरों में लिखा हुआ था, और वह उन्हें अपने बाबा परबाबा से मिला था, उसे शायद किसी मुसलमान कातिब ने लिखा था, क्योंकि अंत में उसने नकल की तारीख हिजरी संवत में दे दी थी, उस पर 1176 हिजरी पड़ी हुई है। इस पुस्तक के साथ में ही मेरे नाना के हाथ का लिखा हुआ हाफिज का पूरा दीवान भी मुझे मिला। अब आखिरी वाक्य सुनिए, अंतिम वाक्य सुनिए, कितना विरोधाभासी है, और ये बच्चन लिख रहे हैं, मेरे पूर्वजों ने अपनी रुचि में फारसी और हिंदी का कैसा सुंदर समन्वय कर रखा। अब देखिए, हिंदी यहां है ही नहीं, समन्वय कहां से हो गया, केवल फारसी मतलब उर्दू है, लेकिन समन्वय कहां से हुआ ये भगवान जाने। अब आगे देखिए, जब हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं हरिवंश राय बच्चन, तो समझ में नहीं आता कि वो क्या कहते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। पृष्ठ 52 पर लिखते हैं कि हमारे मध्ययुगीन समाज ने स्त्री के अधिकार छीन लिए हो, उसका दर्जा गिरा दिया हो, उसे अपावन करार दे दिया हो, पर अबला का पक्ष लेने के लिए उसने कभी आनाकानी नहीं की। इसमें कई चीजें हैं। ये मध्ययुगीन समाज मतलब मेडिवल सोसाइटी, ये आदित्य जी भारतीय पद नहीं है, भारत के शब्द नहीं है। इसके पीछे का जो अर्थ है, जो ध्वनित होता है, उससे हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि भारत में मध्यकाल जैसी कोई चीज ही नहीं है, हमारे किसी पूर्वज ने ऐसा कालखंड नहीं बनाया, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल नहीं, मैं तो तीनों कालों में से किसी काल को नहीं मान्यता देता। हमारे पास दो ही काल हैं, एक भूतकाल है, दूसरा वर्तमान काल है। आधुनिक शब्द का प्रयोग मैं नहीं करता, लेकिन यहां मध्ययुगीन समाज ने स्त्री का अधिकार छीन लिए, भारत में एक मध्यकालीन समाज बनाया जा रहा है और फिर स्त्रियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। स्त्रियों के अधिकार कितने थे पहले, कौन से अधिकार छीन लिए गए, इनकी विवेचना नहीं है। जबकि यदि आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके जानेंगे, तो आदित्य जी आपको पता होगा कि भारत में स्त्रियां दो प्रकार की होती थी, सद्योदवाहा या सद्योदवधु बोलते हैं, और ब्रह्मवादिनी, दोनों की शिक्षा दीक्षा होती थी। एक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी, दूसरी अपने जीवन में ऋषिका बनती थी, वह विवाह कर सकती थी किसी ऋषि से, लेकिन उसका प्रयोजन दूसरा होता था। लेकिन क्या हुआ,
भारत में इस्लाम के आने के बाद स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती थीं, पग पग पर उन्हें संकट था उनके जीवन में, तो पहले जो ये प्रथा थी उनको इतना पढ़ाने की, उसमें कमी आई। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी कम आयु में विवाह करने की प्रथा आरंभ हो गई। उसके बाद पर्दे पर्दा प्रथा आरंभ हुआ हुई क्योंकि हमारे यहां प्रथा थी नहीं। फिर क्या हुआ, जो स्त्रियां तीर्थाटन पे जाती थी उन पर मनाही हुई। उसके बाद जो दिन में विवाह होता था हमारे यहां, क्योंकि रात्रि विवाह राक्षसी विवाह माना जाता था, वो भी हमें रात में करना पड़ा। तो कितने अधिकार हैं जो छीने गए, क्यों छीने गए, किसने छीने, क्या प्रयोजन था, इसमें हरिवंश राय बच्चन नहीं जाते। आगे होली का वर्णन करते हैं वो पृष्ठ 162 पे, तो कहते हैं कि ललितपुर में होली मनाने की विचित्र प्रथा, निम्न वर्ग की औरतें, विचित्र प्रथा थी जिसमें कि निम्न वर्ग की औरतें कछोटा बांध बांस ले छोटी छोटी टोलियों में निकलती हैं और जहां भी ऊंचे वर्ग के मर्दों को देखती हैं उन पर टूट पड़ती हैं, या कहते हुए मार बाबूजी का झंडा है। वैसे सच्चाई है कि मारती नहीं थी, लेकिन ऐसा एक अभिनय किया जाता। टिप्पणी क्या करते हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन, सोचता हूं मध्ययुगीन सभ्यता में स्त्रियों और निम्न वर्गों को जिस हीन भावना की कुंठा से निरंतर त्रस्त रहना पड़ता था, उससे होली का यह दिन कितनी मुक्ति प्रदान करता होगा। और ताड़न के अधिकारी साल में कम से कम एक दिन तो अपना अधिकार अपने ताड़कों को सौंपने का मौका पा सके। अब देखिए, ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीदास के रामचरितमानस में से लिया करके ढोल गवार शूद्र पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका वर्णन कर रहे हैं वो। हरिवंश राय बच्चन जैसे बड़े कवि को और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत कवि की बात को न समझना, ये बड़े खेद की बात, बड़े दुख की बात। विद्वान इस बात को मानते हैं कि ताड़न का मतलब ही पीटना नहीं है, ताड़ते हैं, देखते हैं, और उसी से हुआ है देखभाल करना, शिक्षित करना, समझाना, प्रशिक्षण देना, कितने भी शब्द आप बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ढोल को पीटोगे ढोल फूट जाएगा, ये पीटने की चीज नहीं है। लेकिन ये हरिवंश राय बच्चन, और ये भी आज एक बार नहीं है, इस पुस्तक में कई बार ये बात आती है। अब आगे देखिए कि लिखते हैं कि अगले पृष्ठ पर कि हमारे परिवार में प्रथा थी कि लड़कों का पहला बाल विंध्याचल की देवी के समक्ष उतरवाया जाता। मुझे याद है मेरा बाल भी शायद 5-6 वर्ष की अवस्था में विंध्याचल में उतरवाया गया था। हमारे परिवार में अंतिम बार यह रस्म मेरे छोटे भाई के एकमात्र पुत्र प्रभात के लिए अदा की। अब देखिए, ये इसको जो कहते हैं मुंडन संस्कार बोलते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार भी इसको बोलते हैं। हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं 16 संस्कार, जो आरंभ होते हैं गर्भाधान से, उसके बाद पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, और उसके बाद में उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन आदि आदि। इसमें चूड़ा कर्म एक संस्कार है। हिंदू धर्म में रहते हुए आपको इन संस्कारों का पालन करना होगा, और जितने संस्कार के मैंने नाम लिए हैं, आज भी जहां तक मैं जानता हूं अनेक घरों में इन संस्कारों को का पालन किया जाता है। और जो अंतिम संस्कार है जिसको आप दाह संस्कार कहते हैं, क्रिया कर्म कहते हैं, वह तो सब करते ही हैं। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु हुई, उनका भी दाह संस्कार हुआ। लेकिन आप देखिए इन संस्कारों के प्रति, मैं मानता हूं कि 16 संस्कार में से जो भी व्यावहारिक है, बहुत अब नहीं करते हैं सारे, लेकिन कोई कहे कि मैं इन संस्कारों को नहीं मानता हूं, तो आप कह सकते हैं वो हिंदू नहीं है।
क्योंकि ये संस्कार हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। इन संस्कारों को धता बता के एक साइड में करके और आप कहें शान से कि मैं हिंदू हूं, तो ये तो वैसे ही जैसे मुसलमान कोई होता नहीं है, मुनाफिक होते हैं, वैसे ही नौटंकी हो जाएगी। कैसे? अब आगे देखिए हरिवंश शाह बच्चन के विचार कैसे, स्वयं लिखते हैं, पुरानी लीकों को पीटने में मेरा विश्वास न रह गया था। कौन सी लीकें हैं पुरानी जिनको आप पीट रहे हैं? और वो लीकें हैं, संस्कार को आप लीक कहेंगे? फिजूल खर्ची या ऊपर से लगती थी, मेरे लड़कों के पहले बाल उतरवाने को कोई विशेषता नहीं दी गई। मेरी पत्नी कट्टर सिख परिवार की है, यानी तेजी बच्चन, जिनके यहां बाल उतारे ही नहीं जाते। मेरे परिवार में उतारे जाते थे पर बड़े विधान के साथ। हम दोनों ही रूढ़ी मुक्त हो गए हो चुके थे। नाई को बुलाकर बाल कटा दिए। आप क्या कहेंगे आदित्य जी ऐसे व्यक्ति को? हम रूढ़ी ग्रस्त मुक्त हो चुके थे, ये संस्कार आपके लिए रूढ़ी है? हिंदू धर्म में फिर क्या बचा है जिसको आप मानते हैं? और दूसरा, सिख धर्म में, सिख मत में यह है कि बाल रखने हैं, तो देखिए परिणाम क्या होता है आदित्य जी, कितना हास्यास्पद है कि हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार है, आप नहीं बाल कटवा रहे हैं, सिख धर्म में बाल रखना उसकी बात भी नहीं मान रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन के बेटे क्या हो गए, न हिंदू रहे न सिख रहे न कोई संस्कार उनको, वो तो दिखता भी और है ये कहते हैं रूढ़ी मुक्त हो गए। एक्चुअली, जिस तरह आप बता रहे हैं, ये मेरे को इनके किसी भी, ये जो बोलते हैं ना, वेद वाद रथा पार्था नान्य दस्ती थी वादिना या मैं आप पूछता हूँ वाचम प्रवरंती पंडिता, इन लोगों ने, हम लोगों ने इनको गलत तरीके से कवि मान लिया और इनको हमने पंडित भी मान लिया। ये हमारा सोसाइटी का दुर्भाग्य है। सोशल मीडिया नहीं था इसलिए एक्सपोज नहीं हो पाए सब लोग, लेकिन लेकिन अगर हम गीता का टेस्ट करें इन सबके ऊपर तो ये सब अधर्मी निकलेंगे सबके सब। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। अब आगे देखिए, मैं आपको आगे और बताता हूं, धीरे धीरे तो मैं अपना पिच बढ़ाता जाऊंगा, आपको आनंद आएगा कि ये क्या कह रहे हैं। मेरे बाबा के ललितपुर प्रवास की बात कर रहे हैं कि मेरे पिता जिले के स्कूल में पढ़ते थे जहां उन दिनों वर्नाकुलर मिडिल तक की पढ़ाई होती थी। वर्नाकुलर आप जानते ही हैं आदित्य जी की, यूरोपीय लोगों ने गाली देने के लिए, हमको निकृष्ट बताने के लिए हमारी सारी भाषाओं को वर्नाकुलर कह दिया। माध्यम हिंदी या उर्दू होता था मेरे पिता के स्कूल में। प्रताप नारायण यानी इनके पिता हिंदी से मिडिल करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आगे लिखते हैं घर पर अपने पिता से उर्दू और फारसी भी पढ़ते थे। अब बताइए इस उर्दू फारसी के पढ़ने का क्या की क्या आवश्यकता थी, जब आपके पिताजी हिंदी माध्यम से स्कूल में पढ़ सकते थे तो क्या आवश्यकता थी इसकी? लेकिन घर का माहौल क्या है ये आगे आपको और स्पष्ट होगा। आगे लिखते, अब देखिए हिंदू धर्म पर कैसा प्रहार है, 70-71 नंबर पृष्ठ पर मैं हूं। मृत्यु सदा ही दुखद और भयानक होती, गरीब के घर की मृत्यु और भी करुण होती और भी असहायता का बोध कराती। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, पुराण पंथी, ये लिख रहे हैं पुराण पंथी, मतलब जो पुराणों को मान रहा है वो पुराण पंथी है। पुराण पंथी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आए रीति रिवाजों में जकड़े निर्धन हिंदू के घर मौत उसकी तबाही की भविष्यवाणी करती हुई आती है, विशेषकर यदि उसका परिवार अतीत में संपन्नता की ख्याति अर्जित कर चुका हो। नाई, बारी, कहार, ब्राह्मण, महाब्राह्मण, समाज के खुर्राट ठेकेदार, खुसर ठेकेदारी ने बड़े बूढ़े नाते रिश्तेदार शव को, ध्यान दीजिएगा क्या सब लिख रहे हैं, शव को चील कौवे गिद्धों की तरह घेर कर बैठ जाते हैं, लेकिन वे उसे खाते नहीं, खाते हैं उसके जीवित संबंधियों को। बताइए ये हिंदू समाज पर उनका प्रहार है, जबकि आगे उन्होंने स्वयं लिखा है अपने दादा के विषय में कि मेरी दादी की दृढ़ता ने परिस्थिति को संभाल लिया,
न घर बेचा गया, न कर्ज लिया गया, दादी का कोई बचा खुचा जेवर गिरवी रखकर बाबा का काम जैसे तैसे निपटा दिया गया। अब देखिए यहां पर कि किस तरह का कुठाराघात इन्होंने हिंदू धर्म पर किया है, ये जो श्राद्ध भोज और इस सब की जो व्यवस्था है उसके ऊपर, जबकि ये स्वयं लिख रहे हैं कि इनकी दादी ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इन्होंने जम करके जितना समझ में आया उतनी गाली दी हिंदू समाज को। अब तो मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। अब देखिए ये कवि थे, इन्होंने जीवन में कहीं नहीं लिखा अपनी जीवनी में कि अलग से इन्होंने इतिहास का अध्ययन किया हो, लेकिन इनका वाक्य देखिए, आपका रक्त उबल जाएगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये लिखते हैं कि जब आर्य यायावर इस देश में आकर, आर्य यायावर इस देश में आकर कृषक के रूप में व्यवस्थित हुए होंगे, तब अवश्य उन्हें अपनी संतान बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ होगा। देखिए आर्य यायावर हैं और इस देश में आए, अर्थात ये स्वयं मानते हैं अंग्रेजों का जो रटा रटाया मामला था कि आर्य इस देश में नहीं थे, वो कहीं और से आए थे। कहां से आए थे, वो बड़ी ऊंची सभ्यता थी उसके जिसका पता ही नहीं। संस्कृत कहाँ हुई या भारत में पैदा हुई, वेद कहाँ लिखे गए, भारत में, वेद में क्या लिखा हुआ है तो भारत की नदियां पर्वत जो भी यहाँ की प्राकृतिक संपदा है उसका वर्णन है, लेकिन आए बाहर से, बाहर से आए तो उसका उल्लेख क्यों नहीं किया हमें पता नहीं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने कहीं भी प्रश्न नहीं किया, अंग्रेजों ने जो कह दिया उसको मान के, और आगे कैसी कैसी त्रुटियां कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं वो देखिए। गृहस्थ धर्म, बहुविवाह और संतान उत्पन्न करने की क्षमता बनी रहने तक विवाह करते जाने की प्रथा ने समाज में जड़ जमाई होगी। आदित्य जी आपके लिए क्या यह सह्य होगा यह वाक्य सुनना कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता बनी रहने तक विवाह करते जाने की प्रथा? क्या हमारे पूर्वज यही काम करते थे, इतनी बार विवाह करते थे? भारतवर्ष आज भी और प्राचीन काल में भी एक पत्नी की प्रथा के लिए प्रसिद्ध धरती है, और हमारे पास अनेक उदाहरण है, स्वयं भगवान राम हमारे सामने उदाहरण, और अनेक और उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या लिख रहे हैं, और आगे देखिए गलती पर गलती किए जा रहे हैं। अब लिखते हैं बुद्ध पूर्व, यानी महात्मा बुद्ध से पूर्व, इसमें वांछित संयमन संतुलन आ गया होगा। अब सब कुछ होगा, इनको इतिहास का कुछ नहीं पता, सब कुछ होगा, लेकिन लिख ऐसे रहे हैं कि जो पढ़ने वाला है वो विक्षिप्त हो जाएगा, पढ़ने वाले की का कोई सम्मान श्रद्धा हिंदू धर्म के प्रति नहीं होगा। बुद्ध ने यति धर्म को समाज के मूल में स्थापित कर इस संतुलन को बड़ी भारी धक्का दिया। अब यति धर्म की बात करें महात्मा बुद्ध की, कि वो सन्यासी हो गए, वैरागी हो गए, उषा धर्म, अविवाहित युवक युवतियों के भिक्षु भिक्षुणी रूप में संघ प्रवेश से समाज का ढांचा टूटा नहीं होगा तो बुरी तरह हिल गया होगा। अभी हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले, हिंदू समाज में ब्रह्मवादिनी स्त्रियां होती थी, ये ऐसा काम करती थी, शास्त्रज्ञ होती थी, शास्त्र पर अपना ध्यान देती थी, दार्शनिक बन जाती थी, लेकिन इनको केवल बुद्ध दिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जब ब्राह्मण धर्म ने, अब देखिए ब्राह्मण धर्म ये भी अंग्रेजों का दिया हुआ पद है, हमारे हिंदू धर्म है, हमारे सनातन धर्म है, हमारे वैदिक धर्म कह सकते हैं, ब्राह्मण धर्म क्या होता है? और यदि ब्राह्मण धर्म होता है तो वर्ण के हिसाब से हरे का धर्म होता है, शूद्र धर्म होता है, क्षत्रिय धर्म होता है, वैश्य धर्म होता है। भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं कृष्ण से अर्जुन से कि तुम्हारा यह धर्म है उसका पालन करो। लेकिन यहां देखिए क्या उन्होंने बना दिया, ब्राह्मण धर्म ने फिर से अपने को स्थापित किया होगा, तब अवश्य उसने विवाह को व्यक्ति की इच्छा पर न छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व तो बना दिया होगा। अब इसमें क्या बुराई है, लेकिन आगे देखिए कितनी निंदा करते हैं हमारी इस अच्छी प्रथा की। आज भी समाज का आग्रह है कि प्रत्येक युवक युवती का विवाह होना ही चाहिए,
यदि न हो तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी, ऐसी कौन सी प्रथा बन गई है सृष्टि चलाने के लिए। ये अनादिकाल से चलती हुई प्रथा है, और आज आप देख रहे हैं यूरोप आदि में कि जब बच्चे नहीं जन्म ले रहे हैं तो उनकी क्या दुर्गति हो रही है। आज ही मैंने आपका वो आपकी वार्ता सुनी दीदी के साथ की, जिसमें दीदी ने स्पष्ट किया कि यदि जन्म दर इतनी कम है तो आपका क्या, आपकी क्या दुर्गति होने वाली है। आगे लिखते हैं हरिवंश राय बच्चन कि यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष आजीवन अविवाहित रहते हैं। अब आ गई बात, अविवाहित रहते तो क्या यह प्रशंसनीय बात, ये तो दुखद है। इसके लिए न समाज उनकी आलोचना करता है, न उनका अनादर करता है, न उस पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि उनका समाज व्यक्ति आधारित समाज है, सामूहिकता का अभाव है, एक दूसरे से संपर्क नहीं है, एक दूसरे से पृथक रहते हैं, इसलिए उनको पता नहीं होता कि बायां कौन क्या कर रहा है, पड़ोसी दाहिना क्या कर रहा है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए ये प्रशंसा के पात्र हैं ये यूरोप के लोग। फिर यूरोप की तरह हिंदू विवाह व्यक्तिगत मामला है भी नहीं, वह पूर्णतया सामाजिक कृत्य है। हमें इस पर गर्व है, हम स्वयं मानते हैं कि हिंदू विवाह दो व्यक्तियों का मिलन मात्र नहीं है, दो समाजों का, दो परिवारों का, दो कुलों का मिलन है। और इसीलिए बहुत खोजबीन करके जांच पड़ताल के बाद विवाह करने की प्रथा अनादिकाल से हमारे यहां चली आ रही, और इससे सुंदर व्यवस्था संसार में हो भी नहीं सकती। फिर भी लिखते हैं कि विवाह के रीति रिवाज कुछ इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके साथ समाज के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक संबद्ध हो जाते हैं। हमारे यहाँ के विवाहों में यदि सुहाग सिंदूर धोबिन देती है तो संस्कार ब्राह्मण देता है, इसलिए हर विवाह के साथ भाई बिरादरी समाज अतिरिक्त विभिन्न वर्गों के 40-50 घरों का हित जुड़ जाता है। आप बताइए आदित्य जी, इससे अच्छा क्या होगा कि समाज का हर वर्ग एक विवाह संस्कार से सभी जुड़ जाते हैं। इसमें क्या कमी है, इसमें क्या त्रुटि है, हमें तो इसके लिए गौरव गान करना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्हें वो यूरोप उस समय ठीक लग रहा है। और आगे जो मैं सुनाऊंगा हरिवंश राय बच्चन को लेकर के, जितनी बातें मैं कह रहा हूं इसका चरम है, एक दो और बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी, हिंदू धर्म को लेकर के, स्त्री को लेकर के, और मुझे समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा कवि, कोई इधर कोमल हृदय व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या ऐसी बात लिख सकता है। क्या लिखते हैं हरिवंश राय बच्चन, जब तक परिवार प्रथा विघटित नहीं हो जाती, अर्थात परिवार प्रथा भारत में समाप्त नहीं हो जाती, किसको आप ओकिज्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आज यही तो कर रहे हैं ना वो सारे संसार में घूम कर करके, जो कम्युनिज्म है वो क्या भिन्न है इससे, और क्रिश्चियनिटी कितनी भिन्न है इससे, जिसमें जीसस का कहना है कि मैं बेटे को बाप से, बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से लड़वाना चाहता हूं, मैं परिवार को नहीं मानता, और ये भी कहा है कि मैं शांति के लिए नहीं आया, मैं तो तलवार लेके आया हूं धरती। तो ये उपद्रवी जीसस और उनके जो वचन है वो उससे क्या मिलती जुलती बात नहीं है कि जब तक परिवार प्रथा विघटित नहीं हो जाती और कृत्रिम गर्भाधान समाज स्वीकृत नहीं हो जाता। आदित्य जी, ये पुरुष स्त्री संबंध पर भी चुनौती है, विवाह प्रथा को समाप्त करना है, परिवार प्रथा को समाप्त करना है, अर्थात जो हिंदू धर्म के सबसे मजबूत सुदृढ़ स्तंभ हैं, उन स्तंभों पर हरिवंश राय जैसे व्यक्ति का प्रबल प्रहार है, कठोर प्रहार है। इसको कोई कैसे लेगा, कैसे समझेगा, मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूं कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों लिखा।
आगे इनकी माता जी का वर्णन है, उन्होंने स्वयं किया है कि इनकी माता जी को भी उर्दू आती थी, क्योंकि नाना के घर में ननिहाल में भी उर्दू थी और माता जी ने इनको उर्दू सिखाई थी। तो इस तरह से उर्दू का तो मैंने बताया, कई बार उसका उल्लेख कर दिया। आगे जो मैं बता रहा हूं ये और भी हमारे धर्म पर और आप जैसे व्यक्ति, मतलब आदित्य जी जिस चीज को कर रहे हैं उसमें आपको समझ में आएगा कि कितनी कैसी बात मैं कहने जा रहा हूं। इसमें एक वाक्य है जो पढ़ने के बाद मैं घंटों कहिए कि सामान्य नहीं हो पाया। ये वाक्य है, राम और कृष्ण को भारतीय मनीषा ने जिस रूप में विकसित किया, अर्थात भगवान राम और कृष्ण भारतीय मनीषा के द्वारा विकसित किया गया है इनको। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण कभी हुए नहीं, ये अवतरित नहीं हुए, ये धरती पर नहीं आए, ये भारतीय मनीषा के द्वारा विकसित किए गए हैं, उनके द्वारा परिकल्पित हैं, उनकी कल्पना है। क्या आपको नहीं लगता कि उस समय या आज या उससे पहले जो भारत में ईसाई मिशनरी बोलते होंगे उससे एक लेश मात्र, रत्ती मात्र भी अंतर है हरिवंश राय बच्चन की इस वाणी में? नहीं है। उसके बाद में आपने आज ही उल्लेख किया था, दीदी कह रही थी टेमरी जादे के विषय में, तो आपको पता ही है कि हरिवंश राय बच्चन इंग्लैंड चले गए और पीएचडी की, और वो भी अंग्रेजी साहित्य में। मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि अंग्रेजी साहित्य इनको पढ़ने की आवश्यकता क्या थी, और फिर इंग्लैंड जाके ये कौन सा कमाल करना चाह रहे थे वहां पर। अंग्रेजी साहित्य में होता ही क्या है मुझे तो नहीं समझ में आता। जब से मैंने शेक्सपियर को रौंदना शुरू किया है, ये कहना शुरू किया कि शेक्सपियर नाम का व्यक्ति कोई लेखक अच्छा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में हृदय के मांस के बदले रुपए की बात करता है, अर्थात जान लेने की बात करता है, और ऐसे अनुबंध की कल्पना करता है अपने उस पुस्तक में। तो मैं तो मानता हूं कि वो सहृदय व्यक्ति नहीं है, लेखक कहां से होगा। अब आपको मैं सुनाता हूं अंतिम चीज उनके विषय में, जो उनकी रचना है मधुशाला, जो बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत चर्चित हुई, उसका उसकी उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब, जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। इसमें अनेक बातें, हिंदू और मुसलमान दोनों को आप एक पलड़े पर कैसे तोल रहे हैं? यदि भारतवर्ष की कल्पना कर रहे हैं आप, तो 400 700 500 साल पहले, 800 साल पहले यहां तो कोई मुसलमान था नहीं, हिंदुओं का देश था, उनके मंदिर थे, और कभी आपस में कहीं मंदिर के कारण बैर नहीं हुआ। मंदिर हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, हर तरह के क्रियाकलाप, शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था। अब हिंदू धर्म से विपरीत विधर्मी, एक संस्कृति कहिए, एक पंथ कहिए, वो इस्लाम के रूप में आ खड़ा हुआ, जिसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो आपकी मृत्यु कर दे, आपकी हत्या कर दे। क्यों? कुरान में साफ लिखा हुआ है कि भाई तुमको जिहादी बनना है तब तक जब तक कि संसार में तुम ही तुम न रहो, क्योंकि इस्लाम किसी दूसरी प्रथा को स्वीकार ही नहीं करता, उसकी मान्यता ही नहीं देता, वो एकांतिक है, एक्सक्लूसिव है। तो इससे पता चलता है कि हरिवंश राय बच्चन को इस्लाम की प्रकृति की कोई समझ नहीं थी। तो उन्होंने कल्पना की कि मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो झगड़ा करते हैं, और ये मधुशाला पहुंच जाएंगे दोनों तो ये बैर मिट जाएगा। ये क्या बैर ऐसे ही मिटाने की का प्रयास नहीं है जो हमारे गांधी ने किया था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम?
वहां पर कोई मुसलमान घराने भी नहीं है, आज भी नहीं गाता। लेकिन हमारा जो है रघुपति राघव राजा राम, इतना सुंदर भजन उसको नष्ट कर दिया। आज आप YouTube पे जाए, कहीं भी ढूंढने जाएंगे, वो आपको ईश्वर अल्लाह सुनाई देगा। मैंने उसको सुनना चाहता, लेकिन वो आसानी से मिलता नहीं है, जो मूल भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये तो गांधी से हुआ नहीं, उसके पहले गुरु नानक ने ही प्रयास किया, नहीं हुआ। क्योंकि ये पानी और तेल को मिलाने के बराबर है भाई, आप कैसे मिला देंगे? मिलाने के लिए आपको न हिंदू धर्म की समझ है, न इस्लाम की समझ है। वो कह रहा है कि हम इनको काट देंगे, समाप्त कर देंगे, आप कहते इनको मिला लेंगे। मिलाने के लिए एक ही तरीका हो सकता है कि उनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, वो बिल्कुल ही अपने मजहब को छोड़ दे, तब मिल सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए इस तरह के जितने प्रयास किए गए हैं वो निरर्थक प्रयास रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। उससे सिर्फ यही पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति को छिछली बातें हैं ये, उसको कुछ नहीं पता है कि इस्लाम होता क्या है, इस्लाम की क्या प्रथा है, क्या प्रथा। तो ये हरिवंश राय बच्चन की बात रही। अब हम आते हैं प्रेमचंद और धर्मवीर भारती पे, थोड़ी थोड़ी बात ही रखेंगे ताकि जो है इससे स्पष्ट हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। धनेन्द्र जी, हम लोग क्या करते हैं, सभी ऑथर्स को वन बाय वन लेते हैं। तो इस ऑथर अभी हम इस शो को हरिवंश राय पर रोकते हैं, क्योंकि 51 मिनट्स हो गया है इसमें, 45 मिनट्स। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मुझे ध्यान नहीं था टाइम का, नहीं बहुत अच्छा तो था। अभी हम लोग दो अदर टॉपिक्स लेंगे, तो दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है, और कि हाँ, आप ठीक, हर ऑथर को अलग से आप देखें। सही सही बात, सही बात। और मैं ये भी डिस्क्लेमर भी डाल दूं, हम लोग एकेडमिक विश्लेषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं है, हम में से कोई भी हाँ एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। तो इस नहीं, जो सही भी इस बात, बात को सुन रहा है, डिस्क्लेमर को भी याद रखे कि ये सत्य तो कभी ना कभी बाहर आने वाला है, और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, तो सत्य तो कभी बहुत आने सुंदर वाला बात है, कह दिया आपने, बहुत सत्यमेव सुंदर। जयते। और सत्य जो है विष्णु का ही एक शक्ति है, उनकी शक्ति है, तो वो तो सत्य कभी आने वाला है। तो जो व्यक्ति छुपा रहा आज तक इतिहास के पन्नों में, उस व्यक्ति के बारे में लोगों को ज्ञान होने ही वाला है, कि कोई भी छुप नहीं सकता, है ना। ये तो इसका तो इसलिए इसको अन्यथा ना ले, और इसको एक ऑब्जेक्टिव रूप में देखें, ज्ञान के रूप में देखें, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। और मेरे हिसाब से श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय एव कल्पते, ये रूप गोस्वामी के शब्द हैं। तो अगर श्रुति और स्मृति से भिन्न हो, भगवान भी स्वयं बोल रहे हैं 16वें चैप्टर में 23वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं, कि जो व्यक्ति श्रुति और स्मृति के बाहर एनालाइज करता है वो कभी एनालाइज कर ही नहीं सकता, उसके पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो धर्म, मतलब श्रुति स्मृति के द्वारा धर्म स्थापित होता है, श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब पुराण, उनके माध्यम से धर्म स्थापित होता है। अगर और उन्हीं में सारे उपनिषद भी इन्वॉल्व है, उपनिषद अलग से पुस्तक कोई नहीं है, उसी के अंदर के उपनिषद को अलग किया गया है। तो अगर आप लोग उसके अनुसार देखेंगे तो आपको वास्तविक चीजें दिखाई पड़ेंगी। मेरा एक सिर्फ एक प्रश्न होगा आपसे, कि अगर हम श्रुति स्मृति के अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि शैलेंद्र जी धार्मिक, वो मुझे धार्मिक बोल रहे हैं, मैं इनको बड़ा से अपना बड़ा धार्मिक मानता हूँ, तो लेकिन शैलेंद्र जी जो बोल रहे हैं, तो शैलेंद्र जी एक बात मुझे बताइए कि धर्म का विश्लेषण जब लोग करते हैं तो उसको एक ऐसा ले लेते हैं कि ये साधु संतों की बातें हैं, ये हमारे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर सुख समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, तो धर्म का ही सहारा लेना पड़ेगा बाद में। क्योंकि कोई भी, मैं बड़ा कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, नो बडी विल ट्रस्ट ए एन डिसऑनेस्ट मैन बिजनेस के लिए, एक बड़ा साधारण सा है ये। इसमें धर्म धर्म को आप रिलीजन से कनेक्ट मत करिए, रिलीजन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपको बिजनेस करना है, तो यू विल डू बिजनेस ओनली विद ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जो सत्य बात, बिल्कुल नहीं तो आप नहीं करेंगे कोई भी बेसिक ट्रांजेक्शन भी नहीं। तो हम यहाँ पे इन लेखकों को भी हम लोग जज करना चाहिए कि ये ऑनेस्ट है कि नहीं है, या थे कि नहीं थे। तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज। देखिए, आपका बहुत ही सुंदर टिप्पणी है। आप देखते हैं हमारे यहां श्लोक ही है ना, धनात धर्म तथा सुखम। देखिए, बिना धर्म के हमारे देश में सुख की परिकल्पना ही नहीं है। वो जो धर्म काम मोक्ष ये सब जो आपके हमारे यहाँ दिए हुए हैं, इसके आधार ही सब कुछ का धर्म। और आपने बड़ा सुंदर वचन कहा,
देखिए, आप सत्यवादी नहीं हैं, आप सात्विक नहीं हैं, आप करुणामयी नहीं, करुणामय नहीं है, आप में दया नहीं है, आप में धर्म तत्व नहीं है, आप में धैर्य नहीं है। वो जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनको आप गिनते जाइए। आप अक्रोधी नहीं है, मतलब क्रोधी हो गए तो वो भी आपका नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आदित्य जी, हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म दो तरह के बताए गए हैं। एक का प्रकार जो है वो व्यक्तिगत है, जैसे छात्र धर्म है, राज धर्म है, या आपका कहिए स्त्री धर्म है, पत्नी धर्म है। और दूसरा प्रकार जो है उसके तीन नाम है, तीनों समानार्थी शब्द हैं। नाम है सामासिक धर्म, सामान्य धर्म या साधारण धर्म। ये महाराज मांधाता को भगवान विष्णु ने ये बताया था, क्योंकि मांधाता जी ने यही प्रश्न किया था कि भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था है और उसके अनुरूप लोग धर्म का पालन करते हैं। भारत से बाहर जो भूमि हमने जीती है, जहां लोग रह रहे हैं, उनके लिए आप धर्म व्यवस्था सुझाइए। भगवान विष्णु ने यही कहा था। और उसमें मनु महाराज के जो 10 लक्षण है धर्म के, और उन्हें कहा है मांधाता को भगवान विष्णु ने कि पता करो कि वहां शिष्य गुरु का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, पुत्र और पुत्री अपने माता पिता का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, वहां दंड का विधान है कि नहीं है, चोर डाकू उपद्रवी इनको दंड मिलता है कि नहीं मिलता है, साधु का संरक्षण होता है कि नहीं होता है। तो आदित्य जी, आपके एक शब्द धर्म में ये सब कुछ आता है। धर्म न हो तो मैं मानता हूं उस व्यक्ति का जीवन मृत्यु समान है, शव के समान है वो, या वो राक्षस है। आप रामायण पढ़ते हैं, आप महाभारत पढ़ते हैं, सब में राक्षस आते हैं। आप देखिए उनके कैसे कैसे कृत्य हैं, वो क्या करते हैं। उसके उसकी दृष्टि में साधु नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वो यदि यज्ञ होता हुआ देखते हैं तो अवश्य विघ्न डालते हैं। मतलब वो जो कहते हैं ना, एक श्लोक है संस्कृत का बहुत बढ़िया, कि विद्या विवाद आए धनम मदाया, शक्ति परेशान पर पीड़नाया, खलस्य साधु विपरीत मेतत, ज्ञान आए दान आए चरक्षण आए। तो खल और साधु की परिभाषा दी गई है। खल को यदि विद्या आ जाए तो केवल विवाद करेगा। इसीलिए मानता हूं संसार के सारे वकील जो हैं वो खल हैं, उनके पेशे में ही विवाद घुसा हुआ है, विवाद को बढ़ाएंगे। तो विद्या विवाद आया धनम मद आया, धन हो जाए तो आप मदमस्त हो जाए, किसी को कुछ न समझे, शक्ति हो जाए तो किसी दो चार को दो चार हाथ मार दीजिए, पीट दीजिए। लेकिन जो साधु है उसके पास ज्ञान हो, शक्ति हो, धन हो, तो ज्ञान आए दान आए च रक्षण आए, धन होगा तो दान देगा, शक्ति होगी तो दूसरे को संभालेगा, और यदि और भी चीजें होंगी तो समाज को बनाएगा। तो आपको तो पता ही है कि व्यासस्य वचनयम द्वयम परोपकार पुण्याय पापराय परपीडनम। अब इसको तो मनुष्यता है, धर्म मनुष्यता है आदित्य जी। उसके बिना अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सारे दैत्य हैं, राक्षस हैं। वो कोई फिलिस्तीन से भिन्न नहीं है, हमास से भिन्न नहीं है, इनमें मानवता होती तो ऐसे होते ही नहीं वो। इसलिए धर्म तत्व जो है विश्व मार्यम, ये तो हमारा अब नारा है, हम चलो विश्व को आर्य बनाते हैं, विश्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये वेद का वचन है और वही हमें करना चाहिए। बहुत उत्तम, आपके बहुत अच्छी तरह शब्दों का चयन करते हैं। दर्शकों को बता दूं, मेरी लास्ट पुस्तक का नाम शैलेंद्र जी नहीं दिया था, हम लोग मैजिकल वर्ल्ड डालने वाले थे और ओरिजिनल एटलस नाम इन्होंने सजेस्ट किया था, इसलिए मेरी पुस्तक का नाम है उसके उसके ऊपर रखा हुआ है। और मेरी दर्शकों से अनुरोध होगा कि आप शैलेंद्र कुमार जी की पुस्तकें पढ़ें, कुसुमलता कीड़िया जी की पुस्तकें पढ़ें और रामेश्वर मिश्र पंकज जी की पुस्तकें पढ़ें। मेरे हिसाब से रामेश्वर मिश्र पंकज जी से बड़ा कोई दार्शनिक मतलब मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, जिनको ज्ञान है हर एंगल से, अगर हर तरफ से आप देखेंगे उसको आज उसमें ज्ञान उनको रहता है, और इसलिए मुझे उनसे बिल्कुल सही बातें बात, सही बहुत बात, आनंद आता है मुझे। बहुत सही बात, सही बात। और दूसरी बात है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो ऑटोमेटिकली भक्त होगा, ऑटोमेटिकली, हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि ज्ञान की जो
जो लिमिट होती है वो भक्ति पे समाप्त होती है, हाँ और भक्ति की कोई लिमिट नहीं होती, तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है। वहां पे तो मीरा सही बाई बात है। है, चैतन्य महाप्रभु है, और बड़े बड़े हमारे साधु संत हैं, और जितने बड़े कार्य किए गए हैं वो उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनका हरि नाम में विश्वास था और है, और बड़े बड़े नाम। बिल्कुल तुलसीदास जी को देख लीजिए, तुलसीदास जी के पूरी पृथ्वी उनके। और मैं तो आदि शंकराचार्य का फैन हो चुका हूँ आजकल, क्योंकि भज गोविंदम जब से मैंने वो भजन पढ़ा है, मैंने एक शो भी किया था अभी, तब से मैं ये पूरी उनकी जो भजन है, 33 श्लोक है, एक्चुअली 12 मेन है, बाकी बाद में लिखे गए हैं, लेकिन अमेजिंग क्लैरिटी, अगर कोई पढ़े उसको बार बार, तो यू विल बी अमेज्ड एट व्हाट ही रोट ओवर देयर। तो उस पे भी मनन अरे चाहिए। उन्होंने क्या नहीं लिखा है, कितने भजन लिखे उन्होंने कि मतलब मैं क्या बताऊं, मैं तो सुबह प्रतिदिन सुनता हूं उनको तो मैं तो दंग रहता हूं। दंग हो जाते हैं, लाइक जैसे उन्होंने बोला, संप्राप्ते सनी काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रण करणे, और ये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, सबको मूढ़ हाँ बोला है उन्होंने, उनसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है इस समय। और उन्होंने लिखा, बाद में लिखा, नाम स्मरणाद अनुपायम नहीं पश्यामो भवतरणे, मतलब नाम के जप के अलावा कोई और उपाय नहीं है, पहला और सही आखिरी बात, श्लोक, सही बात। पहला और आखिरी अरे श्लोक, तो ये मतलब, और उसकी उन्होंने दुर्गा जी के लिए लिखा है, उन्होंने लक्ष्मी जी के लिए लिखा है, उन्होंने भगवान शंकर के लिए लिखा है, क्या नहीं लिखा उन्होंने। क्या नहीं लिखा। और आप सुनते जाइए सुनते जाइए, आदमी एकदम से पता नहीं वो आदमी घोर हो जाएगा। जो उन्होंने रियलिटी लोगों को दिखाई है इस भजन में, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को, आपको अवेलेबल होगा सतोलॉजी वेबसाइट पे, हर जगह इसको पढ़िए। मैं थोड़ा सा उसमें ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि बहुत जगह जो ट्रांसलेशन है वो पुराणों के अनुसार नहीं है, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा ताकि लोग उसको ध्यान से पढ़ें और कॉन्टेक्स्चुअल में भी अप्लाई करें। और लेकिन उनके शब्द इज क्लियर, नो डाउट्स, क्लियर है। नो डाउट, नो जिसको डाउट, नो संस्कृत आती बिल्कुल। है, संस्कृत में उनके शब्द पढ़े, आपको सारे वेदों का, रामायण महाभारत सबका सार इस भजन में है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आदि शंकराचार्य। अरे भजन का नाम ही है वेद सार श्रीवास्तव, ये भजन का करेक्ट। नाम ही है। तो सारा सार आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान, ये विज्ञान की बातें हैं। तो नाउ इफ यू आर रियली अ विज्ञानिक, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और इस पे, और सबसे ब्यूटी क्या होती है, उसके ऊपर आप अपने ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये नाम जब शुरू बिल्कुल करिए, फिर देखिए एक्सपेरिमेंट, देखिए कि एक्सपेरिमेंट वहां से शुरू हो गया। और मैं लोग साइंटिस्ट को बोलूंगा, क्योंकि आजकल आप लोग गुरु बन चुके हैं, कि आप लोग भी इसकी शरण लें ताकि अच्छी साइंस को लोगों को बताया जाए, क्योंकि सही बात, सही बात। विज्ञान जो है वो साइंस, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है, दैट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ वैदिक विज्ञान। तो दोनों में बहुत फर्क है, और विशिष्ट ज्ञान है वेदों में। तो इसको भी आप, एक नए ब्रीड ऑफ साइंटिस्ट वी नीड हु कैन लीड द सोसाइटी। और हमारे गुरु, हमारे संप्रदाय, हमारे आचार्य, इन सभी ने थोड़ा थोड़ा योगदान किया है, हर जगह कहीं ना कहीं पे किया है। एंड उनके आधार पर ही शैलेंद्र जी और मैं कुछ बात कर पा रहे हैं इस विषय में, कि जो ज्ञान हमको मिला हुआ है पूर्व जन्म से या इस जन्म में, वी आर एबल टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र जी, आपने बहुत आनंद दिलाया मुझे इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं इस तरह की बुक्स कभी पढ़ा नहीं और मैं पढ़ूंगा भी नहीं। तो और ये जितने भी, बचपन से मेरी रुचि नहीं रही है, मैं जैसे ही, मैं मेरे को पता नहीं क्या सिक्स सेंस है क्या है, वैसे ही मैं देखता हूँ कि ये वेदों पुराणों के विपरीत होगा, तो मेरी अब इच्छा वहां से चली जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल द व्यूअर्स कीप ज्वाइनिंग लिसनिंग, एंड आपको लाइक अ वीडियो, शेयर द वीडियो, ताकि बहुत लोग इसको देखें, सुने और इसके बारे में मनन चिंतन करें। और शैलेंद्र जी का प्लेलिस्ट है, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, अभी वो पॉडकास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप अपने कार में भी सुन सकते हैं। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट एक्साइटिंग शो विद शैलेंद्र जी ऑन अदर ऑथर्स इन इंडिया। नमस्ते, चलिए, आपके दर्शकों को फिर से पुनः सादर प्रणाम, जय जगन्नाथ, धन्यवाद, बहुत अच्छा। जय।